लद्दाख में चीन शांति स्थापित करने की दुहाई दे रहा है, वहीं भारत को जब दूसरे देशों का समर्थन मिल रहा है तो उसे देखकर परेशानी भी हो रही है। चीन के सरकारी प्रोपोगेंडा अखबार पीपुल्स डेली ने रूस को यहां तक नसीहत दे डाली है कि वो भारत को संवेदनशील वक्त में हथियार ना बेचे। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स की वो खबर भी फर्जी निकली जिसमें दावा किया गया कि चीन के रक्षा मंत्री से आज राजनाथ सिंह मॉस्को में मुलाकात करने वाले हैं। सीमा पर भले ही भारत और चीन के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन चीन इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्दी मुहैया कराने पर बातचीत हुई है। रूस से लिए गए सुखोई मिग T-90 टैंक्स और सबमरीन को भी भारत अपडेट करना चाहता है और इस दौरे को चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो चीन अपना पुराना हथियार यानी प्रोपेगेंडा करने लगा। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चीन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। चीन की चालों का भंडाफोड़ हर बार हो जाता है और एक बार फिर से चीन के पिटे हुए प्यादों का खेल सामने आ गया। सरकारी चीनी मुखपत्र पीपुल्स डेली आर्टिकल के जरिए रूसी सरकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। पीपुल्स डेली ने अपने फेसबुक पेज पर रूसी भाषा में एक मैसेज पोस्ट किया है जिसमें रूस को भारत को हथियार नहीं बेचने की सलाह दी गई है। चीन की ओर से फेसबुक पर यह मैसेज ऐसे वक्त में आया है जब भारत इमरजेंसी खरीद के तहत रूस से अधिग्रहण के माध्यम से सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन के हर मुकाबले की तैयारी कर रहा है और यही देखकर चीन अब नई चालबाजियों में उलझा है। चीनी अखबार ने सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज ऑफ इंडिया के एक फेसबुक ग्रुप पर एक मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा है, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है, अगर रूस चीनी और भारतीयों के दिलों को नरम करना चाहता है तो संवेदनशील माहौल में भारत को हथियार देना बेहतर नहीं होगा। दोनों एशियाई शक्तियां रूस की बहुत करीबी रणनीतिक साझेदार हैं। राजनाथ सिंह आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे लेकिन चीन के रक्षा मंत्री से नहीं मिलेंगे। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ही ये खबर फैलाई थी कि चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग मॉस्को में राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, लेकिन ग्लोबल टाइम्स की ये खबर भी फर्जी निकली। राजनाथ सिंह का रूस का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दौरान भारत की ओर से रूस से जरूरी हथियारों की डिलीवरी जल्द करने को कहा गया है। भारत कोशिश करेगा कि जो ऑर्डर दिए गए हैं उनकी डिलीवरी तुरंत हवाई मार्ग से की जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी हो सके। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड की ओर से पॉजिटिव रहेगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। भारत के कड़े तेवर देखकर चीन परेशान है, इसलिए एक बार फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चीनी अखबार का सहारा ले रहा है। अखबारों के पास चीन का झूठ फैलाने की पूरी ठेकेदारी है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार जो करना चाहती है वो सीधे सीधे कहने की कुव्वत न रखकर इन अखबारों के जरिए कहती है। आर्मी चीफ जनरल